जो आज तक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने कर पाई, वो हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को इस कदर धोया कि वो सातवें जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान काफी ज्यादा कूद रहे थे, फुदक रहे थे और यही कह रहे थे जिस तरीके से 2023 में हमने वर्ल्ड कप में हराया था वैसा इस बार भी हरा देंगे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा और यहां पर सूर्य कुमार यादव की आक्रामक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। जो बड़े बड़े से दिग्गज न कर पाए, जो घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज न कर पाए, वो इन बल्लेबाजों ने कर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को इसका दर्द होया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पैट कमिंस ने सोचा कि हम इस मुकाबले को जीत लेंगे और भारतीय टीम को 100-150 रनों के भीतर ऑल आउट कर देंगे। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी की, लेकिन उससे पहले पहले बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से दो कवर ड्राइव चौके और दो आसमानी गगन चुंबती छक्के ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलता रहा, तो वहीं तूफानी विस्फोटक गेंदबाज आप सभी को बता दें कि यहां पर ग्लेन मैक्सवेल दूसरा ओवर लेकर के आए, जहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव से पहले पहले यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 3 गगन चुंबती छक्के ठोक दिए। चौथा ओवर लेकर के आए तूफानी विस्फोटक गेंदबाज फाफ डुप्लेसी, जो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हैं। फाफ डुप्लेसी के चौथे ओवर की 6 गेंदों पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की आक्रामक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और ये काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट करके बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा का बल्ला और यहां पर हार्दिक पांड्या से पहले पहले टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और उनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर आग लगा रही थी। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने छठवें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबती 6 छक्के ठोक दिए। लेकिन सातवें ओवर की चौथी बॉल पर 45 रन ठोक करके यहां पर कैच आउट का सामना कर बैठे घातक विस्फोटक बल्लेबाज तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी विराट कोहली। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। सूर्य कुमार यादव ने आते ही मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और कंगारों को उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने आठवें ओवर में आते ही मात्र 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 2 गगनचुंबती शानदार बाउंड्री लाइन के पार छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी और दोनों बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को जम करके धो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कई गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव का बल्ला चेक करने के लिए बार बार आ रहे थे कि आखिरकार सूर्य के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बेहतर मैदान जो है घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। आप सभी को बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में धीरे धीरे 11वें ओवर तक जाते जाते 50 रन पूरा कर दिया, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका लग गया जब टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी 12वें ओवर में जाते आते हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। अब यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। शिवम दुबे काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में डट कर बल्लेबाजी करते हैं। शिवम दुबे लगातार 2 से 3 मैचों में फ्लॉप रहे, लेकिन इस बार शिवम दुबे ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवम दुबे का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चला। मैथ्यू वेट जैसा ही तूफानी विस्फोटक ओवर लेकर के आए 14वां, तो मैथ्यू वेट के ओवर में तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने 2 चौके 2 छक्के ठोक दिए। शिवम दुबे और घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाज मिलकर के काफी तूफानी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे और इनकी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसाने लगी। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे ने मिलकर के घमासान बल्लेबाजी की, तो वहीं सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे 72 रन ठोक चुके थे और अभी भी नॉट आउट थे और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब 15वें ओवर की चौथी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे 41 रन ठोक करके आउट हुए। शिवम दुबे के आउट होने के बाद मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत भारतीय टीम का वो विस्फोटक खूंखार बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करता है। ऋषभ पंत ने काफी बेहतरीन T20 में जो है पारियां खेली हैं और T20 का बेहतरीन विस्फोटक खिलाड़ी भी है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के कप्तान भी है IPL में। आप सभी को बता दें कि ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डट कर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऋषभ पंत का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। ऋषभ पंत ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक गगनचुंबी 150 मीटर लॉन्ग छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव काफी आक्रामक और घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करते, जहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, शिवम दुबे हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाफ डुप्लेसी जैसे ही 17वां ओवर लेकर के आए, यहां पर सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 2 चौके और 4 छक्के ठोक दिए। तो वहीं 18वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया किसान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बरसों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, कोच राहुल द्रविड़ देखते रह गए। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो सातों जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। अंपायर का भी माथा चकरा गया जब तूफानी आक्रामक बल्लेबाजी, यहां पर आप सभी को बता दें कि हार्दिक पांड्या की देखी। हार्दिक पांड्या काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए। अब सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद मैदान पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा एक काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो आक्रामक और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से जाने जाते हैं। गेंदबाजी से लेकर के बल्लेबाजी तक इस बल्लेबाज की काफी ज्यादा बेहतरीन है। रविंद्र जडेजा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज मिलकर के काफी तूफानी आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जम करके धो दिया। ऑस्ट्रेलिया के कई गेंदबाज ऐसे थे जो बार बार यहां पर हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार हार्दिक पांड्या के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान, आप सभी को बता दें कि मैथ्यू वैड 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हरा करके काफी ज्यादा उछल रहे थे, लेकिन टाइम हर किसी का बदलता है। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के विस्फोटक शेरू ने धीरे धीरे यहां पर 20वें ओवर तक जाते आते 404 रन ठोक दिए। अब 405 रनों की ऑस्ट्रेलिया की टीम को जरूरत थी, जो नामुमकिन सा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को इस कदर धोया के ऐतिहासिक पारी खेल डाली। पहला ओवर लेकर के गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करने के लिए हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह ने पहले एक ओवर में, आप सभी को बता दें, मैक्सवेल को चलता बना दिया सिर्फ 4 रन बना करके। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के बुमराह गए। बुमराह ने यहां पर मैथ्यू वैड को चलता बना दिया सिर्फ 6 रन पे। आप सभी को बता दें कि 8वां ओवर लेकर के गए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज, आप सभी को बता दें, रविंद्र जडेजा ने 8वें ओवर की 4th बॉल पर एक विकेट चटका दिया और यहां पर ग्लेन मैक्सवेल की जगह ट्रेविस हेड को भी चलता बना दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और हर्षदीप सिंह की तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा और बाकी बल्लेबाजों ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में काफी डट कर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने जीत हासिल करके ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और कप्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि समय और टाइम हर किसी का आता है, मजाक किसी की भी नहीं बनानी चाहिए, ये तो खेल और जीत का माहौल है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्रिकेट से जुड़ी जानकारी, हाईलाइट वीडियो और डेली मैचेस आपको लाइव हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।